नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज एक बड़ा सवाल लेके हम लोग आए हैं। धरती के भगवान क्यों कह रहे हैं हम? साधना न्यूज की ये कोशिश है कि धरती के भगवान को आज डॉक्टर डे है और उस पर सम्मान दिया जाए और उनके कार्यों का, ये डॉक्टर जिनके कारण हमारी जान बचती है, ये डॉक्टर ऊपर हम जब ईश्वर के तरफ हाथ प्रार्थना के लिए जोड़ते हैं तो जमीन पर ईश्वर के रूप में हमें डॉक्टर नजर आते हैं। और ये कर दिखाया है हमने अब पिछले 100 सालों के बाद जो ये महामारी आई थी, इसमें ऐसे ऐसे डॉक्टरों के काम सामने आए हैं। इतना काम किया है, अपने घर की परवाह नहीं की है, अपने परिवार की परवाह नहीं की है। और जब घर परिवार के लोग जिसको छोड़ देते थे, जिसको छूते नहीं थे, जिससे कोसों दूर हो जाते थे, वहां अपनी जान जोखिम में डाल के इन भगवानों ने, धरती के भगवानों ने रात दिन काम किया है। एक बार हम थोड़ी देर के लिए अगर कपड़े पहने रहते हैं तो हमें बेचैनी होने लगती है, गर्मी में, भीषण गर्मी में पीटी किट पहनकर, और रात दिन काम करने वाले, महीनों महीनों अपने घर ना जाने वाले, ऐसे भगवानों का आज डॉक्टर डे पर हमारी तरफ से, साधना परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। हम उनके जो जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तविक रूप से मानव सेवा है, और मानव सेवा में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो किया जा रहा है, जो हो रहा है, वो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और हिंदुस्तान में आपको आश्चर्य होगा, कई हजार डॉक्टर लोगों की सेवा करते करते अपनी जान दे बैठे हैं। कई हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी थे, दूसरे हर सेक्टर के डॉक्टर के अलावा, नर्सिंग स्टाफ, पैथोलॉजी का स्टाफ, जो वो सैंपल कलेक्शन करते हैं, जो टेस्ट करने जाते थे, ऐसे हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, आइए हम आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसी तकनीकी कमी के कारण हम शायद, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है हम वो नहीं दिखा पा रहे हैं, हम आपको अब बाद में दिखाएंगे। अब हम अपने धरती के भगवानों के पास आना चाहते हैं और आपका परिचय कराते हैं कि आज हमारे साथ इस चर्चा में कौन कौन जुड़ेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ भोपाल राजधानी के और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए के चौधरी जी हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे और उसके बाद वहां से रिटायर होने के बाद अपना सेवा का कार्य लगातार आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित संस्थान में आप अधीक्षक के रूप में डायरेक्टर हैं, जेके हॉस्पिटल में, और वहां का पूरी जिम्मेदारी आप संभालते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नेहा रेजा हैं। डॉक्टर नेहा रेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंचकर्म स्पेशलिस्ट हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नरसिंहपुर गाडरवारा से शासकीय चिकित्सक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर राजेश चौकसे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश चौकसे जी। इसी पर हमारे साथ आज धरती के भगवान के रूप में जिनको हमने जोड़ा है, जो लोगों को जन्म तो देते हैं, जन्म देने के बाद उनको जिंदा कैसे रखते हैं, डॉक्टर शीतल गुप्ता हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं, डॉक्टर राजेश चौकसे जी और नेहा रेजा जी, डॉक्टर शीतल गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? आप, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। हम चर्चा की जी शुरुआत करना चाह रहे थे, मैंने अभी डॉक्टर चौधरी जी से इस संदर्भ में बात की थी, हो सकता है आपको सुनाई ना पड़ी हो, लेकिन लाखों हमारे जो रात दिन सेवा करने वाले स्वास्थ्य का जो अमला है, उसमें सारे लोगों के साथ सबसे महत्ती भूमिका, इस जो मानव की जो प्रजाति वो खत्म हो जाती है अगर डॉक्टर इसमें रात दिन एक नहीं करते तो। ये आपका इतना बड़ा काम है जो हमारी मानवीयता, जो सभ्यता है और जो मानव जीवन है वो बच सका है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि कम से कम रात दिन लगे रहते हैं। मैं डॉक्टर ए के चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे ये तीनों डॉक्टर आपके साथ रहेंगे, हम इस पर जो चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रात दिन काम कर करके आप लोगों ने जैसा काम किया है, लाखों लोगों की जान बचाई है। एक समय ये था कि हर घर में दो दो चार चार पेशेंट पड़े रहते थे, और पिछले 100 सालों में मेरे ख्याल से आपके इस जीवन काल में इतनी भीषण आपदा, हम भोपाल की एक गैस त्रासदी को छोड़ दिया जाए
तो इतनी भीषण आपदा आपने इसके पहले कभी देखी थी, और इसमें कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपके घर में मैडम भी डॉक्टर हैं, और किस तरीके से आपने मैनेज किया इसको? देखिए कि मोबाइल जो पे चालू कर कोई काम करते हैं तो उसके परिणामों को हम लोग कम देखते हैं अपने लक्ष्य स्तर के ऊपर। दूसरों को समझाने के लिए हम लोग आश्वासन देते हैं कि आप अपना धीरज बनाए रखिए। कोरोना काल में हमने ये देख लिया कि हमारे लोग जो जिस ढंग से काम करते हैं, जो आपने बताया पीपी किट पहन के काम करते हैं, वो आप प्लास्टिक के कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, कॉटन के कपड़े लोग बोलते हैं, जी। क्योंकि इन्फेक्शन अगर वायरस इतना माइक्रोन 0.004 माइक्रोन का होता है, वो अपनी सिलाई के छेदों से भी घुस जाता है। जी अब ऐसे वायरस को रोकने के लिए हम लोगों को पीपी किट पहनना पड़ते हैं। एक एक वार्ड में 12 12 15 15 मरीज, जिनको ऑक्सीजन लगी हुई है, 24 घंटे उनकी डिमांड रहती है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वो सब उनको मुहैया कराना, दिन में चार चार बार देखना उनकी ऑक्सीजन कितनी कम हो रही, कहाँ हो रही, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था नहीं करना, जो यहाँ नहीं मिलती हमको दिल्ली बाहर में से मंगाना पड़ती है। जी तो हम लोग तो कई बार गोविंदपुरा में जहाँ ऑक्सीजन प्लांट होते हैं, रात रात भर रहे, माने रात को 10 बजे गए, सुबह 4 बजे हम 20 20 25 25 सिलेंडर जितने मिले लेके आए, ताकि हमें जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो मिलती रहे। हम लोग सेवा करते हैं, मैं अपने अनुभव से बताऊं, मैं करीब 55 55 साल से मैं मेडिकल फील्ड में हूं, जी और बच्चों का विशेषज्ञ होने के कारण मैं हम लोगों को यही कहते हैं कि बच्चे की उम्र 3 मिनट से 7 मिनट की होती है, और ऐसे आदमी की होती है, क्योंकि अगर 7 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिली जी तो ब्रेन डेड हो जाता है, फिर उसका बचाना मुश्किल हो जाता है, या बचता भी है तो उसमें बहुत से हैंडीकैप हो जाते हैं, लकवा लग जाता है, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, ऐसी बहुत सी बीमारी होती है। इन सब के लिए हम लोगों को मिनट मिनट में काम करना पड़ता है, किसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुई नहीं हुई। लेकिन हमने एक चीज़ मार की कि हम लोग जब कोई काम करते हैं तो हम लोगों को अपने स्वस्फूर्तित काम करना पड़ता है, लेकिन जो ऊपर के निर्देश आते हैं वही कई कई बार हम लोगों को तकलीफ में डालते हैं, क्योंकि तकलीफ में इसलिए डालते हैं कि हम सोच रहे हैं कि इसको ये होना चाहिए, लेकिन जो नॉन मेडिकोज हैं, जो व्यवस्थाओं को संभालते हैं, उनको पता तो नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परिवार वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ये कर दीजिए हमको, ये दवाई लगा दीजिए, हम ऐसा हो जाएगा, तो वो चिकित्सक से ज़्यादा बड़े, वो पेपर में पढ़ के या मीडिया में पढ़ के ज़्यादा बड़े चिकित्सक बन जाते हैं, और फिर हम लोगों को अनाप शनाप बातें बोलते हैं कि आपने हमारे मरीज को मार डाला। हम तो बचाने के लिए हैं, बने हुए हैं। 50 60 साल में हमने यही कोशिश की कितने हम बचा सकते हैं। अगर कोई मर गया तो ही कहते हैं कि नहीं साहब, डॉक्टर हमारा जो है ना दुश्मन है, वो हमसे कमीशन खा के काम कर रहा है। इसमें हमने शासन में पिछले 15 सालों से हम ये भी बोल रहे हैं कि साहब, एक चिकित्सक को, एक जैसे इंडियन मेडिकल सर्विसेज होती हैं, इंडियन आईपीएस सर्विस होती हैं, एडवाइजर सर्विस होती हैं, ऐसी क्यों ना एक हेल्थ इंडियन सर्विस मेडिकल बना, सर्विसेज सेपरेट कैडर बना दिया जाए, ताकि उसमें जो भी डॉक्टर सेलेक्ट होते हैं वो उनके विभाग के अध्यक्ष बने, और अपनी सलाह के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार उस मरीज के लिए जो भी उचित हो वो करना चाहिए। अगर हम आज बोल रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था हम पहले से ही सोच के रखें। अब जैसे अभी चल रहा है कि हम तृतीय वेव आएगी, तृतीय वेव क्यों आएगी, क्योंकि हम ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम 2 मीटर के डिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाजार में जाइए तो ऐसा लगता है कि हमको जीवन में इसके बाद कभी खाना ही नहीं मिलना है, सब्जी नहीं मिलना है, दूध नहीं मिल रहा है, बाजार में होटल में खाना खाने नहीं मिल रहा, ऐसे दौड़ रहे हैं। हम तैयार हैं बचाने के लिए, लेकिन आप लोग तैयार हैं कोरोना का निमंत्रण दे के बुलाइए, आइए, और हम बीमार होइए। मैंने वो घर देखे हैं, एक एक घर में चार चार लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं, और हम लोग उनको घर जाके ऑक्सीजन बताते हैं, तो एक ऑक्सीजन लगा लिया 24 घंटे में एक बार, अरे हम कहते हैं हर 2 घंटे में हमें ऑक्सीजन देख चेक करना है कितनी पल्स ऑक्सीमीटर से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, 700 रुपये 1200 रुपये का एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे घर में, लेकिन लोगों ने होटलों के बिल 5000 रुपया से 25000 रुपया तक के ने पेमेंट किए, लेकिन वो 1200 रुपये से 800 रुपये से 1200 तक का पल्स ऑक्सीमीटर नहीं खरीदा। जी हम लोगों ने जितना व्यवस्था बताई कि गर्म पानी पीजिए, नहीं हम तो साहब वो कोको कोला ही पियेंगे, जो भी ब्रांड उनको पसंद वो पियेंगे,
हम गर्म की बात करते हैं, वो ठंडे की बात करते हैं। हम एसी बोलते हैं 28 से ऊपर चलाइए, ये बोल रही हम तो माइनस चलाएंगे, 17 पे चलाएंगे। हम वैक्सीन लगाने की बात करते हैं तो बोले घर में आके वैक्सीन लगाइए जैसे पोलियो में लगाते थे। हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, 2 से 8 डिग्री देखना पड़ता है कि वैक्सीन ठीक है कि नहीं है, और लगने के बाद अगर रिएक्शन हो गया तो ये वैक्सीन हमें नकली लगा दी गई। अरे भाई, कोई बचाने के लिए मेहनत कर रहा है, पूरा देश उसको बचा रहा है, हमारे साइंटिस्ट ने इतना बात किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जान बची रहे, उनको क्या फर्क पड़ने वाला, आप जाएं चाहे मत जाएं, लेकिन वो इतनी चिंता में हैं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देश के भागीदार। अभी हो क्या रहा है कि हमारी जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिव माने जो हमारे 18 साल से लेकर और 40 साल तक के लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, माने जो हमारी देश को आगे बढ़ाने के लिए, साइंस को आगे बढ़ाने के लिए और विकास प्रगति करने के लिए जो काम करते हैं, उनको ही ज़्यादा हो रहा है, वही ज़्यादा ज़्यादा शांत हो रहे हैं, क्योंकि उनको घर से काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। वैक्सीन लगाने का काम पहले हमने फ्रंटलाइन वर्कर को किया, फ्रंटलाइन वर्कर बोलते हैं नहीं साहब ये वैक्सीन ख़राब है, ये वैक्सीन चाहिए। अरे जो दूसरी वैक्सीन है जो बाहर से आ रही है, उसमें हमारा कितना इकोनॉमी लॉस हो गया, ये कभी सोचा किसी ने? नहीं सोचा। हमारी देश की चीज़, हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया, क्यों चलाया? विदेशी कपड़े हमने क्यों जलाए? गांधी जी ने बोला कि विदेशी बहिष्कार करो तब हम स्वतंत्र होंगे। हम कहते दूसरों विदेशों से आया हुआ माल का आप बहिष्कार करोगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, आपका पैसा आपके काम आएगा और आपको ऐसे करना पड़ेगा। जो वैक्सीन हमारे पास मिल रही है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर जैसे पोलियो को हम मेंटेन करते थे, हम कर पा रहे हैं। कोविशील्ड जो मिल रही है, हम साहब बाहर वाली मंगाएंगे जिसका टेम्परेचर हमें -70 तक जाना पड़ेगा, तो -70 की हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, फिर तो हम पानी लगा देंगे। जैसे लोगों ने कहा कि सुई चुभो दी और वैक्सीन अंदर नहीं पहुँचाई, तो ये बहुत से कारण हैं, लेकिन आपको मेडिकल संस्था पर विश्वास करना पड़ेगा और मेडिकल फ्रेटर्निटी को इंडियन मेडिकल सर्विसेज बना के उनको स्वतंत्र तरह से अपने दिमाग का विचार करके देना पड़ता है। हम लोगों से कहते तो हैं कि आपने शपथ ली है, हिप्पोक्रेटिक ओथ जो हमने ली है उसमें लगा है कि हम अपने विवेक से आपका भला करने की कोशिश करेंगे, तो लेकिन विवेक हमको कहाँ लगान दे रहे हैं? विवेक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा के देता है कि आप ये करिए और आप ये करिए, तो हम लोग तो पैसे होके काम करना पड़ता है कई बार। तो हम अपने, हमने जैसे पढ़ा, MBBS किया, MD किया, DNB किया, PhD किया, इस पढ़ने का क्या इस्तेमाल है जब हम स्वविवेक से काम नहीं कर सकते? इसलिए मेरा इस फोरम से और साधना न्यूज़ वालों से निवेदन है कि इस इंडियन मेडिकल सर्विस बनाने के लिए आप जितना भी योगदान करता हो करिए, क्योंकि जो चिकित्सक बन के आते हैं वो 32 साल में तो बन के आते हैं और दूसरे एडमिशन वाले 3 साल में बन के आते हैं, लेकिन 32 साल वाले अनुभव को 3 साल वाला अनुभव उसके ऊपर गवर्न करता है, उनके ऊपर मतलब अपने नियम थोपता रहता है। कभी इनको 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे बताइए, विधान चंद राय के बाद किस आदमी को ऐसा कोई डॉक्टर बता दें जिसको कभी पद्मश्री मिली हो या कभी उनको पब्लिकली ऑनर किया गया हो। 26 जनवरी पे हर आदमी को देखें तो पुलिस अधिकारी काम करते रहते हैं, 15 अगस्त को उनको उनको अवार्ड मिलता है। कितने डॉक्टर को अवार्ड मिला जी? मैं तो 56 साल से काम कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में काम करता रहा, फिर सरगुजा सरी के आदिवासी इलाके में जहाँ काम करता रहा, जहाँ दूध लेने के लिए 200 किलोमीटर जाना पड़ता था जी। बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को एलर्जी थी जी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस की दवाइयाँ हमको 200 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ती थी जी। तो हम ऐसी जगहों में रहे जहाँ के 200-400 किलोमीटर तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। हम लोगों ने लाखों ऑपरेशन कर किए वहाँ पे और बचाए, कैदियों का खून लेके किए। तो माने हम उससे, हम अगर किसी को बचा रहे हैं तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? और कोई डॉक्टर अगर किसी का मर जाता है तो उसको दुख होता है, तो वो क्यों मारेगा? अगर वो बचाएगा तो उसका नाम होगा कि फला आदमी ने मेरा बचा दिया, फला मेरा डिलीवरी करा दी, मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो वो डॉक्टर क्यों किसी को मारेगा? उसके क्या इंटरेस्ट है? फिर लोगों कहते नहीं साहब वो किडनी निकाल के बेचते हैं, तो डॉक्टर की कई कोई परिभाषा तो आज तक नहीं हुई है जी। चुंबक चिकित्सा वाला भी डॉक्टर कहलाता है, झोला छाप भी डॉक्टर कहलाता है, घूमने घूमते काम इलाज करने वाला डॉक्टर कहलाता है। तो सभी पे विश्वास करिए, क्योंकि विच क्राफ्ट है, हम झाड़ फूंक देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, सब करिए, लेकिन अपने चिकित्सक के ऊपर आक्षेप ना करिए,
भरोसा, विश्वास करिए, विश्वास करिए। हम भगवान को हमने देखा नहीं है लेकिन हम उन पर भरोसा करते हैं और धरती पर भगवान के रूप में हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि कम से कम जो जो आज हुआ है, मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण जानता हूँ और इस बात से मैं लगातार चौधरी जी सरकार के नुमाइंदों तक, अगर ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी या जो सुलेमान जी या दूसरे कमिश्नर साहब देख रहे हैं, तो ये कम से कम इस पर सोचें। एक आईएएस अधिकारी को हेल्थ की क्या जानकारी है, वो हेल्थ विभाग में थोप दिया जाता है, जो जिस पद पर बैठे हैं मेडिकल सेक्टर पे, ज्यादातर विभागों का अगर आज हालत खराब है तो उसमें विषय विशेषज्ञ है ही नहीं। हम सिर्फ आईएएस को उसमें बैठा देते हैं, आईपीएस को वहाँ बैठा देते हैं, दूसरे लोगों को बैठा देते हैं, और जो चिकित्सा में चिकित्सकों की आवश्यकता है, शिक्षा में शिक्षकों की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस पैथी में जो धरती के भगवान है, मैं डॉक्टर राजेश चौकसे जी आपके पास आना चाहता हूं। 16 साल की उम्र से ये तपस्या शुरू होती है और डॉक्टर बनने की जीवन भर परीक्षा चलती है। दूसरे में एक बार, जैसा चौधरी सर ने कहा कि 3 साल में पास करके आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, जीवन भर जैसे ही आपके पास मरीज आता है उसकी आपने नब्ज पकड़ी और आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो आप पास, और अगर वो किसी गंभीर संक्रमण का है तो आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप होम्योपैथी में करते हैं और सरकारी ओहदे पे बैठे हैं, आप सरकारी डॉक्टर हैं, क्या ऐसा लगता है कि सरकारों को, मैं एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा, एक डॉक्टर का जो पैसा है, डॉक्टर को जब उपयोग किया जाता है, पिछले साल कोरोना आया, बहुत सारे डॉक्टरों को, निजी डॉक्टरों को आमंत्रित किया सरकार ने कि आप सेवा में आइए, और उनको रखा। उसके बाद आज डॉक्टर्स डे है, कल मध्य प्रदेश के ऐसे लोगों को जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में दोनों वेव में रात दिन काम किया डॉक्टर साहब, और करने के बाद उनको कल बाहर कर दिया गया, और बाहर करने के बाद फिर से एक बार फिर से उनको रीज्वाइनिंग कराई, जहां चारों तरफ पद खाली पड़े हैं। अब तो कोरोना के ट्रेंड हो गए लोग, कोरोना से परफेक्ट हो गए कि कोरोना से कैसे लड़ा जाता है, अब उनको बाहर करके। तो ये सरकार क्या चाहती है, एक तरफ कहती है हम धरती के भगवान का सम्मान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया, लेकिन ये दोहरी राजनीति क्यों होती है डॉक्टर साहब? डॉक्टर चौकसे, तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो डॉक्टर चौधरी जी ने बोला जी, ये उन्होंने अपने दिल का बहुत बड़ा कष्ट बोला जो कुछ डॉक्टर बोल नहीं पाते जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम डॉक्टर होने के बाद भी कई बार हमें जो अच्छा लगता है, जो मरीज के हित में होता है, वो भी हम नहीं कर पाते ड्यू टू सम ऑर्डर जी। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है जी। दूसरी चीज ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य जो आप बता रहे हैं कि कोरोना में 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने विज्ञापन निकाल के हर जिले में जिले स्तर से खाली पदों जो थे उनके विरुद्ध में चिकित्सकों की भर्ती की थी, उसमें एमबीबीएस भी थे, दंत चिकित्सक थे और आयुष डॉक्टर थे जी। कल 30 जून को उन सभी की सेवाएं समाप्त हो गई हैं और 2 जुलाई से उनको फिर रिज्वाइनिंग मिलेगी जी। तो एक तरह बिल्कुल सच बात है कि ये जो एक दिन का गैप करा गया है, कहीं ना कहीं ये सोच के करा गया है कि बाद में ये जो डॉक्टर जिनने इतनी अच्छी सेवाएं कोरोना में दी है, अपने हक के लिए कहीं हमसे रोजगार की बात ना करने लगे, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत जी। दूसरी बात ये है कि वर्तमान में हम जो सैंपलिंग कर रहे हैं, वर्तमान में हम जो कोरोना को मरीज को ठीक कर रहे हैं, सैंपलिंग भी है तो सैंपलिंग का भी एक क्राइटेरिया है। इसके पहले आपके ही चैनल ने एक कार्यक्रम दिखाया था, बहुत अच्छा वो कार्यक्रम, सफल भी हुआ था, उसमें डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि सैंपलिंग हमें सिम्टम आने के कब कराना चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं है, अपनी मर्जी से आ जाते हैं। वही जो अभी चौधरी जी ने बोला कि व्हाट्सएप और न्यूज़पेपर से खुद डॉक्टर बन जाते हैं, और अगर हम अपने उनके हित में अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो उन्हें भाई वीडियो बना लो, ये कर लो, वो कर लो, सोशल मीडिया पे हम लोगों को नीचा दिखाना। तो मेरा मतलब ये है कि अगर कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को जिंदा रखना है और सच में अगर कहीं डॉक्टरों का सम्मान करना है तो जो सरकार है उसको भी ऐसे नियम कानून कायदे बनाना चाहिए कि डॉक्टरों के ऊपर होने वाले अपराध कम हो, डॉक्टरों की सुरक्षा हो, जो लोग कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं उनको बेरोजगार ना किया जाए। दूसरी जनता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब कोरोना में हम कोरोना वार्ड में ड्यूटी करते हैं तो परिवार के लोग खिड़की से बाहर खड़े होकर केवल बात पूछते हैं क्या हो गया, पास नहीं आता कोई, अगर हम बोलेंगे भी तो भी वो पास उस कोरोना वार्ड या कोविड सेंटर के पास नहीं आते। हम उस दौरान उस मरीज के पास उसकी नब्ज पकड़ते हैं, उससे बैठ के बात करते हैं ताकि वो घबराए ना,
उससे जो मरीज कोरोना वार्ड में गए हैं आप उनसे पूछें कि वहाँ का स्टाफ ऐसे बात करता है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है, हम उनका दर्द देख देख के रात में रोते हैं कि यार कैसे हम इन लोगों को मानसिक वो करें। तो हम लोग उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि हम भी आपके बेटे हैं, आप चिंता ना करें। इतना सब भी होने के बाद भी कुछ लोग रहते हैं जो 5-10% रहते हैं, वो डॉक्टरों पर इल्जाम लगाते हैं, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, और ये दर्द सबका है, लेकिन सरकारों की कथनियों करनी में अंतर क्यों होता है? क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया बहुत संवेदनशील हैं, बहुत आम जनता के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा निर्णय क्यों नहीं हो पाता है कि लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे पद खाली हैं, और ये तो जो वेव आई थी, इस वेव में सारी व्यवस्थाएं धराशायी हो गई थी। डॉक्टर चौधरी ने जिस अस्पताल को डील किया, मुझे ऐसा लगता है आप वहाँ सरकारी अस्पताल में, आप जो कोविड सेंटर के इंचार्ज हैं, वहाँ आप जो काम कर रहे थे, ये सबके अनुभव कम से कम हमारे करोड़ों दर्शक ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं एक बार डॉक्टर शीतल गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मुझे आवाज आ रही है। जी डॉक्टर साहब, चूंकि इस दौरान जब ये हुआ है, कोविड का महामारी जब बहुत ज्यादा फैली थी, उस दौरान गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक जाने का वो नहीं मिल पाता था कि कहीं वो इफेक्टेड ना हो जाएं, और बहुत सारी डिलीवरी भी प्रभावित हुई, बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि सारे अस्पताल कोविड के उसमें हो गए थे। तो क्या आपको, आप कुछ हमारे दर्शकों से अनुभव शेयर करें, जो आपको परेशानियां हुई, क्योंकि उसके बाद भी आपने सर्जरी करी होगी, उसके बाद भी आपने अपने पेशेंट देखे होंगे, कैसे उनका मनोबल बना पाते थे आप? सर जी, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज थी, सबसे पहले तो वो यही क्वेश्चन पूछती थी कि मैडम क्या हमारी डिलीवरी हो पाएगी जी। हम आखिरी में सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट का इलाज करा रहे हैं जी। तो क्या आप हमको आखिरी में सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं भेज देंगे जी। तो तब हम उनको यही बोलते थे कि नहीं, अगर हम प्राइवेट में काम कर रहे हैं, हम अपने रिस्क लेके हम भी बाहर निकल रहे हैं, हम पीपीई किट पहन के, 2 मास्क पहन के, उसके ऊपर से फेस शील्ड लगाकर जी, अगर हम सुबह से शाम तक आप लोगों को देख रहे हैं, तो बस आप लोगों को भी इतना केयर अपने लिए करनी होगी कि जब हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो हम पहले आपका कोरोना का रैपिड टेस्ट कराएंगे, रैपिड टेस्ट कराएं या आरटीपीसीआर कराएं वो हमारे ऊपर है, लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम आपकी सर्जरी करेंगे, आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है अगर आप कोरोना पॉजिटिव रहते हैं तो भी हम आपकी डिलीवरी कराएंगे, लेकिन इसमें साथ तो आपको भी देना पड़ेगा और आपकी फैमिली वालों को भी देना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 7 मंथ में मेरे पास आ रहे हो और उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डिलीवरी के टाइम पर भी नहीं होगी। सपोज इनकेस आपका डिलीवरी के लेबर पेन आपको आने लगे, आपको पेट दर्द आ रहे हैं और उस समय आप आ रहे हो तो आपको अच्छे खासा फीवर आ रहा है जी। उस टाइम पर मोस्ट पेशेंट सजेस्ट कर जाते हैं, अरे नहीं मौसम मैडम, ये तो मौसम का असर है, अरे नहीं मैडम वो तो हमने फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया था इसलिए हमको बुखार है, अरे नहीं मैडम वो तो हमने जाम खा लिए थे इसलिए हमको बुखार है जी। हम यही बोलते हैं, देखिए मैडम हम रिस्क उठाकर हम भी अपने फैमिली को छोड़कर आपके साथ अगर आए हैं और अगर आपको एक फीवर आ रहा है तो आप प्लीज हमारा एक कहने पर एक टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट पॉजिटिव होगा तो भी हम आपका काम करेंगे, टेस्ट नेगेटिव होगा तो भी काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा काम करने में चेंज हो जाएगा जिससे कि हम अपने स्टाफ वालों को, हम अपने दूसरे डॉक्टर्स को, हम अपने ड्यूटी डॉक्टर्स को, इन सबको हम बचा पाए। बट हमारा अनुभव यही रहा है कि उस टाइम पर जब तक पेशेंट एडमिट नहीं रहता था तब तक तो पेशेंट सब मानता है, लेकिन एडमिट होने के बाद एक बार आपने एडमिट कर लिया इसके बाद आप कुछ भी करते रहो ना घर वाले मानते हैं ना पेशेंट सुनता है। घर वालों को बोलते हैं कि ठीक है जैसे आप प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास आ रही है लेकिन उसके साथ उसकी सासू माँ है, उसकी ननंद है, उसके हस्बैंड है, मैं उनसे जब ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपने वैक्सीनेशन लगवाया, अरे नहीं नहीं मैडम अभी तो हमको वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई किसको जरूरत है किसको नहीं है, आप ये क्यों सोच रहे हो, कुछ काम आप हम लोगों के ऊपर भी छोड़ दीजिए। ठीक है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है वो वैक्सीन नहीं लगवा सकती है लेकिन आप सब तो लगवा सकते हैं, एटलीस्ट हो सकता है कि आप लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो लेडी जो है वो हाउस वाइफ है, वो घर से बाहर नहीं निकल रही, लेकिन आप तो डेली ऑफिस जा रहे हैं, आप डेली लोगों से मिल रहे हैं और आप वापस घर आ रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपसे ही आपकी वाइफ को इन्फेक्शन लग सकता है, तो एटलीस्ट आप तो अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए। बट हमारी प्रॉब्लम ये थी कि ना घर वाले वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार थे, अगर हमें किसी पेशेंट को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ना पेशेंट टेस्ट कराने के लिए तैयार है। इनफैक्ट बहुत बार तो ये हुआ कि अगर किसी पेशेंट को सर्दी खांसी हुई, बुखार आया और हमने टेस्ट लिखा या हमने अपने यहाँ से फैसिलिटी दी कि भाई ये टेस्ट हो जाएगा प्राइवेट से, तो पेशेंट हमें ही छोड़ के चला गया, वो नेक्स्ट टाइम पेशेंट ही हमारे पास नहीं आया।
तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंट में एजुकेशन लेवल की बहुत ज्यादा कमी है, पेशेंट समझते नहीं है चीजों को, बस उनको वही समझ में आता है कि अड़ोसी पड़ोसी ने जो बोल दिया है कि अरे फला को टीका लगा था, फले को इससे इन्फेक्शन हुआ था और फला की मृत्यु हो गई, तो बस वो फला फला की मृत्यु को सबको वैक्सीनेशन से जोड़ देंगे। आज भी मेरे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उन सबसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, क्या आपके घर में आप सबको वैक्सीनेशन हो गया है, तो पता चल रहा है कि घर में अगर 8 मेंबर्स हैं मुश्किल से एक या दो ने लगवाया है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अदरवाइज अभी भी वैक्सीन नहीं लग रहा है। जी, इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जागरूकता के साथ मुझे शायद ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे जागरूक होंगे, जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वो मरीज गांव के लोग हमें नहीं जानते हैं, हम उन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को और अपने आशा कार्यकर्ता को बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैंने ये देखा है कि अगर एक आशा कार्यकर्ता किसी भी मरीज को कुछ भी बोलती है वो उसे अपना भगवान मान के उसकी बातों का पालन करते हैं। वो आशा कार्यकर्ता उसे जिस हॉस्पिटल में लेके जाती है वो वहाँ उनके साथ रहते हैं। तो ऐसा मेरा सुझाव है कि अगर ऐसा संभव हो तो हम सारे आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर वैक्सीनेशन का काम छोड़े, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर्स को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि लोकल डॉक्टर्स जो हर कॉलोनी में बैठे हुए हैं, जो रोज के 40 से 50 मरीज देख रहे हैं, अगर वो 40 से 50 मरीज अपने उस डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं तो जब वो डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन के लिए बोलेगा तो 50 में 50 न सही, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि रोज के 50 में से 25 मरीज वैक्सीनेशन जरूर लगवाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैम। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा डॉक्टर चौधरी जी ने या डॉक्टर राजेश चौकसे जी ने जिस तरीके से बताया था, हम आने वाले समय में अगर अवेयरनेस हो तो इससे लड़ा जा सकता है। डॉक्टर चौधरी जी ने अभी ये कहा कि लड़ने से ज़्यादा उसकी तरफ भाग रहे हैं कि कैसे कोरोना हो, खाने पीने का जिस तरीके से लापरवाही का बताया डॉक्टर साहब ने। मैं हमारे साथ पंचकर्म स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नेहा रेजा, मैं उनके पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर नेहा रेजा, आपने अभी तीनों सम्मानी डॉक्टरों की बात सुनी, क्योंकि ये जो धर्म का काम है, जो मानव सेवा का काम है, आप भी लोगों को रोग मुक्त करने के लिए काम करते हैं। कैसा लगता है आपको जब आप किसी को ठीक कर देते हैं, कैसा सेटिस्फेक्शन होता है आपको? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर किसी के चेहरे पे वास्तविक खुशी आती है कि वो मुझसे संतुष्ट है, तो मुझे वो अपने आप ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो आप अपना हमारे दर्शकों को अनुभव शेयर कीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक ने ऑलमोस्ट जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सबको मेडिकल फैटर्निटी की जो एक वैल्यू होती है कि डॉक्टर बेसिकली हमारे लिए क्या करता है, ये हर एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं जहन में महसूस करा दिया है। आम आदमी को समझ में आने लग गया है कि एक छोटी सी बीमारी भी कितनी घातक हो सकती है, और उसके लिए जो वाकई डॉक्टर जो एक प्रोफेशन है वो कितना नोबल है और उन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया है, इससे हर आदमी बहुत बेसिकली अब परिचित हो चुका है। जहां तक आयुर्वेद की बात करें सर, तो सिर्फ कोरोना काल में पहले भी इस प्रिकॉशन से लेके टिल कोरोना होने के बाद तक भी, कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी, जो आयुर्वेद का यूज आज के डेट में लोग कर रहे हैं वो आज से पहले कभी नहीं था। आपने भी देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कोरोना जैसे ही स्टार्ट हुआ था लास्ट वन ईयर बैक, तो उन्होंने काफी काढ़े बटे, लाखों की तादाद में लोगों ने काढ़े पीना शुरू करे। लोग गिलोय जिसको जानते नहीं थे, हर घर में आज गिलोय का रस पिया जा रहा है, हर घर में काली मिर्च, हर घर में गार्गल हो रहे हैं। योग से निरोग जैसे कार्यक्रम जो मोदी जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए, हर घर में जो व्यक्ति लॉकडाउन में था, आधे से ज्यादा कम्युनिटी ने अपने आप को पहचाना, अपने दोषों के बारे में जाना, हम कैसे फिट रह सकते हैं, हमारा आहारचर्या क्या होना चाहिए, हमारी ऋतुचर्या क्या होना चाहिए, कैसी दिनचर्या हमें फॉलो करनी चाहिए, ये ऐसे पहलू हैं जिस पे पहले लोगों को पता भी नहीं था कि आहारचर्या बेसिकली क्या होती है। खाना वो तो हम दो बार खाते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन में व्यक्ति अपने घर में था, हम क्या बेस्ट खा सकते हैं, किससे हमें इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी एटलीस्ट होती क्या है, ये ऐसे शब्द जिनसे हम कभी परिचित ही नहीं थे। आम आदमी के लिए ये डिस्कशन का विषय ही नहीं था। आज के डेट में सबसे पहले एक कोरोना होने के बाद भी यहाँ पे मरीज आते हैं और उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि कोरोना से तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन अभी मांसपेशियों में बहुत दर्द है, खिंचाव है, बहुत वीकनेस रहती है, हेडेक रहता है, नींद नहीं आती, भूख बिल्कुल नहीं लगती, चिड़चिड़ापन है। तो
ऐसी जो चीजें जो कोरोना के बाद एक पोस्ट थेरेपेटिकली वो सफर कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आज के डेट में उनको जो भी मदद मिल पा रही है वो आयुर्वेदिक चर्या, आयुर्वेदिक आहार चर्या, पंचकर्म की होने वाली हीलिंग थेरेपीज, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो रेमिडीज हैं, जो लोग घर में भी अब यूज कर रहे हैं कि उन्होंने देखा अच्छा ठीक है खांसी जो कोविड के बाद होनी है चलती रहती है, दो दो तीन तीन महीने चल रही है, तो लोग खुद घर में पिपली मुलेठी और काली मिर्च का लेप बना के और उसका लेहन कर रहे हैं, दिन में 3 से 4 बार चाट रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो कि कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद काल से, वेदों के काल से हमें पता थी, लेकिन पता तो थी लेकिन हमने कभी अमल नहीं किया। आज वो सब चीजें जब लौट के आई हैं तो निश्चित रूप से बहुत खुशी भी होती है, दुख भी है कि इस महामारी ने कहीं ना कहीं बहुत परिवारों को तोड़ दिया, लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से झकझोर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में खुशी भी है कि आयुर्वेद का वो स्वर्णिम युग जिसकी हमें तलाश थी, जो आचार्य चरक और सुश्रुत का युग था, वो निश्चित रूप से अब लौट कर आएगा। और यदि सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो आम आदमी जो एक अभी आप देख रहे होंगे जैसे कोरोना का जो दूसरी लहर थी वो लगभग लगभग बहुत कम हो गई है, हालांकि तीसरी लहर के लिए लोग एकदम जुट चुके हैं, घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग सब शुरू हो चुका है, बहुत जल्द शायद तीसरी लहर आ जाए, लेकिन दूसरी लहर में अभी जो केसेस की कमी आई है उसमें हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी की दिनचर्या में काफी कुछ परिवर्तन है, लोग बाहर का खाना ऑलमोस्ट अवॉइड करने लग गए हैं, काफी घरों में बच्चों की जो अननेसेसरी वाली जिद थी, फास्ट फूड था, चिप्स थे, वेफर्स, ये सब ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, आदमी कोल्ड ड्रिंक्स फिज की चीजों से जनरली लोग खुद से अवॉइड कर रहे हैं। हर आदमी एक आता है उन्होंने कहा कोरोना प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोग बता रहे हैं तीसरी लहर डॉक्टर साहब बच्चों के लिए घातक है तो हम क्या कर सकते हैं, मीन्स लोग काफी अवेयर हुए हैं अभी। आज पहले जैसे एक होता था लोग स्टार्टअप के बारे में बात करते थे, लोग अपनी इकोनॉमी के बारे में बात करते थे, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते थे, आज की डेट में 50% कम्युनिटी के घर में जो एक कम्युनिकेशन का विषय है वो हेल्थ इश्यूज है जी। कि हम कैसे बचा सकते हैं, यार इसको ये प्रॉब्लम है, ऐसा करते हैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कुछ रेमेडी स्टार्ट करवा लेते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे जो पहले स्वर्ण प्राशन में एक स्वर्ण प्राशन एक योग है बेसिकली, जो हर पुष्य नक्षत्र पे हम बच्चों को कराते हैं, बच्चों के आर्थिक, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। तो पहले लोग कम हिस्सा लेते थे, आज की डेट में माँ बाप नेट से यहाँ वहां से सर्च करके, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपने 16 साल तक के बच्चों के लिए हर कुछ नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन कराने के लिए लोग काफी इंटरेस्टेड हैं और बहुत बढ़ चढ़ के इन सब चीजों में भाग भी ले रहे हैं। जहां तक पंचकर्मा की बात है सर, तो कोविड के बाद में जनरली माइलेजिया या मसल्स पेन और जो वीकनेस जनरली है वो 80% केसेस में परसिस्टेंट करती है, 3 to 4 months तक परसिस्टेंट करती ही करती है। उस केस में लोग मसाज, अभ्यंग स्वेदन, पोटली मसाज, ये सारी चीजें प्रेफर कर रहे हैं और लोग खुद से डिमांड कर रहे हैं कि इन सब की हीलिंग के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप डाइक्लोफेन लेके या कोई भी पेन किलर लेके आप पेन को उस रेजिस्टेंस कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए आपको ऐसे ही किसी नॉर्मल नेचुरल प्रोसीजर का उपयोग करना पड़ेगा। लोग आज की डेट में सनबाथ प्रेफर करते हैं, लोग आज की डेट में अभ्यंग प्रेफर कर रहे हैं, हर घर में किसी ना किसी टाइप का काढ़ा जो नेचुरली पिया ही जा रहा है, भले ही वो अदरक का हो, भले ही वो गर्म पानी में नींबू डाल के किया जा रहा हो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखाते हैं। अभी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल वालों से पूछेंगे कि पेशेंट का क्या फॉलो अप है जी। तो डॉक्टर बोलेगा कि अरे बहुत बहुत मत्ता है आज की डेट में, तो मतलब कोरोना के अलावा मरीज बचे ही नहीं है जी। अब तो कोई पेशेंट दिखता ही नहीं है जी। उसका काफी हद तक रीजन ये भी है कि पिछले 1 सालों से हम बंद हैं, हम एक अच्छी दिनचर्या का फॉलो कर रहे हैं, एक अच्छी आहारचर्या फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच के डर के कारण ही हम काढ़ा पी रहे हैं, हम कुछ इम्यूनिटी बूस्ट ले रहे हैं, बहुत सारी योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो स्वास्थ्य रक्षा है वो बड़ी है। और आयुर्वेद का तो शुरू से ही रहा है कि स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रश्नम, मीन स्वस्थ के स्वस्थ की रक्षा करना भी हमारा ही है कर्तव्य, जो कि आयुर्वेद का मूलभूत विषय रहा है जी। और यदि आतुर है, यदि इन्फेक्टेड हो गया है, तब भी उसकी चिकित्सा करना भी आयुर्वेद के अंतर्गत ही आता है।
जी, तो बस यही सारी चीजें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं और खुशी भी मिलती है। चलिए, कि लोगों ने आयुर्वेद को बढ़ चढ़ के अपनाया है जी, और लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफी जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल, हमारी किचन की रेमेडीज से लोग अपने लिए खुद काढ़े बना रहे हैं, खुद अपने लिए बेस्ट क्या हो सकता है वो कर रहे हैं। जी, मैं फिर से आऊंगा नेहा, डॉक्टर नेहा आपके पास फिर से आऊंगा मैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि धरती में पर भगवान अगर हैं तो वो डॉक्टर हैं और धरती के भगवान डॉक्टर हैं, उनको आज बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा कहा है। बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बनती है, बहुत सारे हालात ऐसे, हमने भोपाल में और मध्य प्रदेश में, मैंने जैसा कि बताया कि लोगों की सेवा करते करते, प्राण रक्षा करते करते, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों ने हमारे यहाँ अपनी जान गंवा दी थी। उसमें डॉक्टर गुरदीप सिंह जी, डॉक्टर आर के जैन से के अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं भोपाल में ही, कि खुद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे डॉक्टर, लेकिन कोरोना में ड्यूटी थी और वो इलाज कर रहे थे। एक डॉक्टर साहब का कैंसर के कारण उनकी जीभ कट चुकी थी, उनका कीमो चल रहा था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। डॉक्टर चौधरी के पास मैं आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, चूंकि परिस्थिति ऐसी है, हालात ऐसे हैं, इतना सब होने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान है, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं और सब जानते हैं कि कितना कुछ किया है, लेकिन आज डॉक्टरों को, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, सारे पुरस्कारों को उठा के देख लें, लेकिन सेवा का कोई पुरस्कार है? मुझे ऐसा लगता है कि ना तो किसी आईएएस ने इतनी सेवा की, ना आईपीएस ने इतनी सेवा की। हमारे सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले मेडिकल सेक्टर के लोग थे, उसके बाद आपके साथ के ही जो पैथोलॉजी के नर्सिंग स्टाफ था, उसके बाद जो हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है साफ सफाई पर ध्यान देने वाले हमारे जो नगरीय निकाय के कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पुलिस महकमे ने बहुत मेहनत की, पूरे टाइम सुरक्षा में रखे, लेकिन इसका जब पुरस्कार बढ़ता है तो पुरस्कार ऐसे लोगों को मिलता है जिनका दूर दूर तक सेवा से कोई वास्ता नहीं रहता, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? जैसे दो चीज मैं वैक्सीनेशन पे बोलना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से ये फला कंपनी की वैक्सीन लगाना है जी, या फला सोशल मीडिया की वैक्सीन लगाना है जी, या फला पार्टी की वैक्सीन लगाना है जी। तो वैक्सीन वैक्सीन होती किसी पार्टी की नहीं होती, किसी सोशल मीडिया की नहीं होती, किसी कंपनी की नहीं होती। वैक्सीन कोरोना के अगेंस्ट को रोकने का एक है। पहले बोलते थे गर्भवती माता को वैक्सीन नहीं लगना है जी। फिर बोलते थे कि साहब वो दूध पिलाने वाली माता को वैक्सीन नहीं लगना है, लेकिन आज की तारीख में ये तय हो गया है कि जो गर्भवती माता भी है प्रथम त्रैमास्क के बाद उसको लगा लेना चाहिए, और जो दूध पीने वाली माता भी है वो उसको वैक्सीन लगा सकती है जी। ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये सबसे अच्छी है, मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि प्रोटीन को किसी एडिनो वायरस के ऊपर इम्प्लांट करके वैक्सीन लगाई जाती है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होते, इससे मृत्यु भी नहीं होती है। लेकिन जो दूसरी वैक्सीन है जो वायरस को मारते उसको अपंग कर देते हैं, माने उसको बीमारी फैलाने वाली क्षमता को ख़त्म कर देते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली क्षमता को रखते हैं, वो वैक्सीन लगाते हैं, उसमें कभी किसी किसी को रिएक्शन होता है, जो वायरस डॉर्मेंट पड़ा हुआ है कभी एक्टिव ना हो जाए। इसलिए अभी तक जो वैक्सीन का आया है, हमारे देश की निर्मित वैक्सीन है कोविशील्ड, वो सबसे अच्छी है। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम कबीर दास जी के पक्के सेवक हैं, उससे बड़ा क्रांतिकारी कभी हमारे पास हुआ नहीं जी। वो ये बोलते हैं कि रूखा सूखा खाए के जी, ठंडा पानी पी जी, देख वीरानी चूपड़ी मत ललचावे जीव जी। माने हम दूसरों की क्यों करते कि हम जो बाहर से वैक्सीन आएगी वही लगाएंगे? अरे आपके अपने घर में आपके जो बन रहा है दाल रोटी खाइए। आज कोरोना काल में घर में सारे मंदिर बंद हो गए जी, सारे होटल बंद हो गए, सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए, तब भी आप जिंदा है ना, आप अपना काम कर रहे हैं ना, अपने परिवार के साथ में है ना। चिकित्सकों ने 7-7 दिन तक अपनी एम्बुलेंस में लेट के वहीं खाना खाया, वहीं नहाया, वहीं कपड़े पहने, वो काम नहीं करते रहे जी। एक हफ्ते में एक दिन चाय पीने चले जाते थे, हमारे डॉक्टर डेहरिया साहब थे वो बेचारे CMHO थे जी। वो सिर्फ हफ्ते में बाहर गए तो उनकी वाइफ ने चाय की प्लेट बाहर रख दी, आप उठा के ले जाओ बाहर पी लो। देखिए अपने जिसका अपना घर, जिसके अपने बीवी, जिसके अपने बच्चे, उनका ये तिरस्कार तरीका होता है। कोई मंदिर में गया क्या इन महीनों में, पिछली लहर में दूसरे मंदिर बंद रहे जी। तो कौन भगवान रहा? भगवान तो चिकित्सक ही रहे। लेकिन हम आदमी, हर आदमी ये चाहता कि मुझे कोई ना कोई प्रेरणा मिले जी। वो प्रेरणा के लिए जब बोलते हैं ना कि जब तुलसीदास जी को बोला गया जी, जब वो गए अपने अपनी पत्नी के घर जी,
तो उन्हें पत्नी ने बोला कि लाज ना लागत आपको दौरे आए पास जी, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। तो जी, प्रेम तो करो कम से कम चिकित्सकों से, उनको अत्याचारी तो मत बोलो, उनको ग्रीडी मनी माइंडेड तो मत बोलो, जो कर रहे हैं उसको तो भला करो। हम 60 साल में 55 साल में हमने यही देखा है कि चिकित्सक आपका है, आपका भला चाहता है, कोई बुराई नहीं चाहता है, लेकिन दूसरे लोग चिकित्सक ना तो कमीशन खा पाता है ना कमीशन दे पाता है। दूसरे लोगों का तो फिक्स परेशान है साहब, 1% मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये भावना जो घुसी गई लोगों के लिए कि जो डॉक्टर तो फला टेस्ट करा लेगा, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ये अगर हम टेस्ट नहीं कराते हैं तो कंज्यूमर फोरम में आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया, और करा लिया तो मरीज बोलता है कि साहब हमने फालतू टेस्ट करा लिए। टेस्ट कराना आपके हित में होता है, आपके रोग के लिए होता है। हमने RT-PCR का एंटीजन टेस्ट कराया, अगर वो पॉजिटिव आया था वो तो गलती से आ गया होगा साहब, दूसरे टेस्ट करा लिया, RT-PCR करा लिए, सर इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव आया, उसमें पॉजिटिव आ गया। अरे भाई आपके शरीर में कितना वायरल का लोड गया उस पर डिपेंड करता है, आप कितने 2 मीटर दूरी से कितने साथ रहे, कितने से आपने हाथ मिलाया, कंधे से कंधे मिलाया, गले से गले में लगे। कोरोना काल ने सिखा दिया कि हमारे पूर्वज भी सिखाया करते नमस्ते करिए, दूर से नमस्ते करिए, कोरोना काल ने सिखाया। भगवान के मंदिर में जाके हम क्या भगवान के पैर छूते हैं जाके, क्या दूर से नमस्ते करते, प्रणाम करते, झुक के नमस्ते करते? आप उतना ही प्रेम तो बांटिए कम से कम, चिकित्सकों के साथ सद्व्यवहार रखिए, उनको मारिए पीटिए मत, क्योंकि उनके ऊपर केस मत कराइए। उनने चोरी कर ली, हमारी दवाई निकाल दी, हमारी दवाई बेच दी, अरे भाई उससे उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर 10-20 रुपए की दवाई अगर आपकी चोरी हो गई, जो आप कह रहे हैं होता तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप डॉक्टर के ऊपर डंडा मार दें, डंडा मार के दिल्ली में हरियाणा बीकानेर में हुआ था, उसको डॉक्टर ने वो दवाई उसको दी, उसकी वाइफ ने गिरा दी पलंग के नीचे, और जो डॉक्टर उठा के ले गया होगा, नर्स भाई ले गई, उठा के ले गई है कि उसने बाहर, उसके हस्बैंड ने आके उसको डंडा मारा, आदमी वहीं मर गया। जब देखी दवाई तो नीचे गिरी पड़ी हुई है। तो आप अपनी समस्याओं को सुलझाइए। रात को हमको 12 बजे मुझे डॉक्टर बात करना है, अपने मरीज की जाना है, सर हम तो ऐसे ही घुस जाएंगे। तो भाई आपको बीमारी ना हो पाए इसलिए बोलते हैं कि वहाँ मत जाइए, या टेलीफोन से बात कर लीजिए, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। तो हमारा ये है कि वैक्सीन देश की है, लगाइए, गर्भवती माता लगाइए, बच्चे लगाइए, दूध पिलाने वाले लगाइए, सभी वैक्सीन लगाइए, जो अवेलेबल है वो लगाइए, और इसके ऊपर आप विचार मत करिए कि लगाना है कि नहीं लगाना जी। पहले बोला था कि हम वैक्सीन लगाने के 28 दिन बाद हमारी बॉडी इम्यूनिटी बन जाती है, लेकिन अभी चला पता, साइंस ने बताया कि सब 82 डेज तक उसकी ग्रेजुअली बढ़ती रहती, पहले से दूसरे तीसरे ऊपर सीढ़ी तक पहुंच जाती है। जब हमारी वैक्सीन को वेन माने घटने लगती है तब हम उसको बूस्टर डोज लगा देते हैं, सेकेंड डोज लगा देते हैं। इसलिए शासन के ऊपर आक्षेप ना करें, आप समझदारी से काम करें। जो मीडिया आपको बता रहा है ठीक बता रहा है, समझने मीडिया ये भी तो बता रहा है कि दूर रहिए, मीडिया ये भी तो बता रहा है कि पब्लिक में मत जाइए, मीडिया ये भी बता रहा है कि शादी में बर्थडे पार्टी मत मनाइए, होटलों में खाना मत खाइए। आप 500 रुपए की शराब की बोतल खरीद लोगे, लेकिन अगर आपको बोलेगा कि एस्प्रिन पैरासिटामॉल की 10 रुपए की गोली ले लो, तो 10 सरकार से मिलना चाहिए मेरे को, ये वो अपेक्षा सरकार से मत करिए। आपका जीवन है, आपको सुरक्षा करना है, इसलिए आप अपने हिसाब से काम करिए। और मेरा सभी से संदेश ये है कि सब लोग अगर इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाएं, उसके लिए कोशिश करें, तो हमारा अपना सोच जो है, हमारा जो जितनी नॉलेज हमने गेन की है, उस नॉलेज का इस्तेमाल हम स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र दिमाग से कर सकते हैं। इस पर किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इस पर सोचना चाहिए सरकार में बैठे ऐसे लोगों को जो नीति निर्धारक हैं और जो इसको कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश चौकसे जी के पास मैं आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब आपने चौधरी जी की बात सुनी, आपको लगता है अभी नेहा रेजा जी ने जो कहा, शीतल गुप्ता जी ने जो कहा, आपको लगता है कि आज भी डॉक्टरों का सम्मान उतना ही है, भगवान की तरह है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि नेहा रेजा जी ने एक बात और कही कि इस आपदा ने ये बता दिया है कि डॉक्टर की क्या भूमिका होती है, क्योंकि हमें भी, हम भगवान का भी कहते हैं ना कि कष्ट में ही प्रभु का सुमिरन करते हैं हम। आज जब कष्ट आया है संपूर्ण मानव जाति पे, तब आप लोगों को भगवान का दर्जा देने लगे हैं, लेकिन ये बना रहे, अगर ऐसा ही भाव बना रहे और व्यवस्था ठीक हो जाए, तो ये इस तरीके की महामारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब जी, सबसे पहली बात तो ये है
कि ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है कि आजकल जनता में डॉक्टर के प्रति विश्वास कम हुआ है, लोग जो है डॉक्टर को गलत नजरों से देखने लगे हैं। उसके लिए 100% दोषी जनता नहीं है, उसमें कारण ये भी है कि जो हमारे साथी कुछ लोग हैं जो 100 में से 1 होगा मुश्किल से, ऐसे साथी कभी कुछ ऐसी कृत्य कर देते हैं जिसके कारण 100 डॉक्टरों को बदनाम होना पड़ता है। जनता जो है, जनता भी 100% खराब नहीं है, बहुत सारी जनता अभी भी हमको भगवान मानती है, और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके सामने हम अपना सिर काट के भी रख देंगे, हम अपना उनको किडनी भी डोनेट कर देंगे तो वो उसमें भी हमारा लालच ढूंढेंगे कि इनका कोई लालच रहा होगा इसलिए इनमें किडनी दे। मैं आपको बताऊं कि जो कोविड सेंटर हैं इनमें जब हम किसी, मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूं साईखेड़ा गाडावारा, तो वहां पे मेरी आवाज आ रही है उपाध्याय जी? बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब। जी, तो मैं क्या ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूँ, वहाँ रूरल इलाके बहुत लगे हैं, हम लोगों की सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग के बाद जब कोई पॉजिटिव आ जाता है हम उसको कोविड सेंटर लाते हैं। जब हम कोविड सेंटर लाते हैं तो हमें 50 तरह की बातें वो और उनके परिवार के लोग सुनाते हैं, लेकिन हम उनको समझा के बुझा के कि 14 दिन की बात है, दवाइयां ले लीजिए आप, हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरा आपका बचाव करेंगे, जैसे तैसे जब वो वहां से ठीक होके जाते हैं तो निश्चित वो हमको भगवान का दर्जा देके जाते हैं। ये डॉक्टर साहब जब हम शुरू में आते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है मरीजों को, लेकिन बाद में वो हमको थैंक्स कह के ही जाते हैं। जी, तो मेरा मतलब यह कहने का कि पूरी पूरी गलती जनता की और डॉक्टर्स की नहीं है, कुछ डॉक्टर हैं 1% हो सकते हैं, 0.5% हो सकते हैं, जिनके केस हमने देखे भी हैं, सुने भी हैं और सच भी निकले हैं, उनके कारण पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। ऐसे ही जनता का है कि जो जनता है उसमें 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो खुरापाती होते हैं, हालांकि जब उनका खुद का मामला आता है वो किसी भुआ के बच्चे के साथ है तो गदर करेंगे, वो किसी दूसरे के साथ है तो गदर करेंगे, लेकिन जब उनका खुद का बच्चा होता है तो फिर वो सोचते हैं अपन भी सुलझ लें। जबकि डॉक्टर जो है, कभी भी मैं 92 से डॉक्टर्स के साथ वर्क कर रहा हूं, मैंने देखा है कि जिंदगी में कभी कोई डॉक्टर ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई मरीज उनके हाथ से ठीक ना हो, कोई मरीज से हम ज्यादा पैसे ले लें या किसी मरीज से दुश्मनी निकाल लें। अगर दुश्मन मरीज भी आता है तो हम उसको ठीक होने के लिए ही प्रयास करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि देश सुन रहा है, करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या अपील, जैसा डॉक्टर चौधरी जी ने कहा कि आज डॉक्टर्स डे है, आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी दर्शकों से अभी यही अपील करूंगा कि सबसे पहले इस वक्त हमारे देश में कोरोना महामारी को भगाना है तो आप लोग प्राथमिक स्तर पर हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन करवाएं, सबसे पहले प्राथमिकता से ये काम करें। दूसरा काम ये करें जब आप डॉक्टर के पास जाएं, और एक बात और प्रैक्टिकली मैं बताता हूं कि जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं मरीज, वो अगर उस डॉक्टर पे विश्वास करते हैं 100% तो वो स्वस्थ भी जल्दी होते हैं। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, जब आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर को हेजिटेट करेंगे, तो डॉक्टर भी एक मानव होता है, वो भी किसी का पिता होता है, वो भी किसी का पति होता है, वो भी किसी का भाई होता है, जब आप उसको जबरदस्ती हेजिटेट करते हैं तो कई बार डॉक्टर ऐसे में कुछ रिप्लाई दे देते हैं जिसको एक बड़ा इशू बनाया जाता है। तो मैं जनता जनार्दन से यही निवेदन करूंगा कि वह लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कोरोना महामारी से बचाव के लिए खुद भी बचे और चिकित्सकों का, साथ में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी का सहयोग करें, सभी को धन्यवाद दें। अगर उनसे कोई गलती होती है तो उस पे भी उनसे चर्चा करेगी, वो गलती जो समझ रही है जनता, क्या वो गलती है या उनने किसी नियम के कारण ऐसा किया है। दूसरी चीज, मैं जनता से के साथ साथ माननीय सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग कोरोना में जिन चिकित्सकों ने काम किया है उन्हें बेरोजगार ना करें, वो लोग 1 साल से पूरे तरीके से काम कर रहे हैं और दक्ष हो चुके हैं, उनको कोरोना में अलग से ही उनको आप किसी भी प्रकार के नियम बनाकर उनको उनका सहयोग जनता की सेवा के लिए लें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर शीतल गुप्ता जी हैं। शीतल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सुन रहे हैं। शीतल जी, क्या लगता है आपको, जैसा डॉक्टर चौधरी जी ने अपने अनुभवों का, इतने लंबे 50 साल हो गए उनको मानव सेवा करते हुए, और कहीं ना कहीं एक दर्द हो है, मैं चूंकि उस बात का डॉक्टर साहब ने जवाब नहीं दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतना समाज को बचाने वाला, मानव सेवा को बचाने वाला, फिर सरकार की निगाह में
इतना सम्मानित पेशा और उस पर इतनी उपेक्षा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सारे पुरस्कारों में देश की रक्षा करने का जो पुरस्कार मिलता है, पद्मश्री अगर किसी को मिलता है, परमवीर चक्र किसी को मिलता है, बहुत सारे पुरस्कार हैं, लेकिन जीवन रक्षा का अगर कोई पुरस्कार है तो ये हर साल तय होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में और देश में डॉक्टरों को मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि जो काम आपने किया है सिर्फ मुंह से कह देने भर से नहीं होता है, जो लोग ये नीति निर्धारित करते हैं उन्होंने भी, उनको भी अपनी जान बचाने के लाले पड़े थे, वो चौधरी जी के पास ही फोन करते थे कि डॉक्टर साहब ये हो गया, सर्दी आ गई, खांसी हो गया, जुकाम आ गया, कैसे बचे, या चौकसे जी के पास या नेहा रेजा जी के पास या आपके पास फोन करते थे। जी जी सर, ये तो बिल्कुल चौधरी सर ने जो बात कही है वो बिल्कुल 16 आने सच है कि हम लोगों को जो हम सारे हम डिजीज कौन सी बीमारी है, क्या है, कितनी बड़ी हुई है, कितनी कम है, किस में जांच होनी चाहिए, किस में कितने जांच की जरूरत है, किस में कितने को भर्ती होने की जरूरत है, ये डिसीजन जहां हम डॉक्टर्स के होने चाहिए जिसने इस चीज की पढ़ाई की है, अपने जिंदगी के 10 से 15 साल इसमें खराब किए हैं, वो डिसीजन आज हम नहीं लेते हैं, डॉक्टर्स नहीं लेते हैं, जबकि नॉन मेडिकल्स लेते हैं जिनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं होता है। जब ये केसेस इस तरह से बिगड़ते हैं तो हमारी बात सुनी नहीं जाती है। सबसे पहले तो अगर कोई केस बिगड़ा है तो वो क्यों बिगड़ा है, क्या वो पहले से सीरियस था पेशेंट, क्या उसको ऑलरेडी पहले से कोई कॉम्प्लिकेशन थे, किस कंडीशन में वो हमारे पास आया। डॉक्टर्स भगवान का दर्जा होता है, लेकिन ये बात भी सही है कि जीवन और मौत हमारे हाथ में नहीं है, मौत आज भी ऊपर वाले के हाथ में है, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंटों को, घर वालों को, सभी को ये समझना होगा कि हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सभी मरीज को हम बचा लें, ये सभी मरीज अमर हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है। मौत तो एक प्राकृतिक चीज है, आनी है, सबकी आनी है, उनकी भी आनी है, हमारी भी आनी है, लेकिन इसके ऊपर दंगे करना, इसके ऊपर परेशान होना, और सबसे मेन बात है गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रही है। आज भी जूड़ा हमीदिया अस्पताल के कितने जूड़ा डॉक्टर अपने आपको हड़ताल पे जाते हैं, हड़ताल में करते हैं कि भाई हम लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए, हम लोगों को मारपीट से बचाया जाए। आज भी मुझे ध्यान है कि जब मैं हमीदिया हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी, जब मैं वहां से पढ़ाई कर रही थी, तो किसी पेशेंट के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ, और वो उस समय सर्जिकल पार्ट जो था वो हमारा इमरजेंसी वार्ड हुआ करता था, उस पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड 5 में लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने 5 से 10 मिनट के अंदर काफी कोशिश करने के बाद डेथ डिक्लेयर कर दी कि इनकी डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आनंद फानंद में जितने 15-20 लोग उनके साथ आए थे, उन्होंने देर धना दंड डॉक्टर को उठा के कॉलर पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दिया। अब आप लोगों को क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है, जनता को, कि हम लोग इतने साधु संत हैं कि आप सब लोग मिलकर डॉक्टर्स को मारते रहेंगे और इसके बाद भी हम डॉक्टर्स प्यार से पुचकारते रहेंगे? लेकिन अगर उसके बदले में एक जूनियर डॉक्टर ने या किसी एक डॉक्टर ने आकर अगर घर वालों के ऊपर हाथ उठा दिया तो उसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, इतनी बुरी बातें की जाती है कि डॉक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। भाई हमको भी अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है और हमको भी अपनी जान प्यारी है। अगर आपकी भीड़, 100 लोगों की भीड़ हमारे 2 डॉक्टर को मार के भी निकल जाएगी ना, तो किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये 100 लोग थे कौन और ऐसा यार होगी किससे और केस होगा किससे। लेकिन वो 2 डॉक्टर्स के परिवार वालों की क्या गलती है, उन 2 डॉक्टर्स की क्या गलती है जो वहां पर सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे? तो इन चीजों को समझना चाहिए कि हर चीज के लिए जबरदस्ती डॉक्टर्स को हड़ताल पे ना जाना पड़े। हर चीज के लिए हमको हड़ताल पे जाना पड़ता है कि जब हड़ताल करेंगे, जब जाएंगे, तभी सरकार हम तो हमारी बात सुनेगी, तभी मंत्री लोग आएंगे, तभी हमारे मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे। तो आज हम, मैं 98 बैच से होते हुए आज यहाँ तक आई हूँ, लेकिन आज भी जो कंडीशंस उस समय थी आज भी वही कंडीशन है कि हर छोटी छोटी मुद्दाओं पे, मुद्दाओं को देखने के लिए, समझाने के लिए हमको हड़तालों पे जाना पड़ता है। तब जाकर कहीं हमारी लिखित में देने का आश्वासन दिया जाता है कि आप हमको लिखित में दे दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 23 साल हो चुके हैं मुझे भी देखते हुए, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई कार्रवाई दिखी नहीं। हम लोगों के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनाया गया, हम लोगों की स्पेशली कोई ऐसी चीजें नहीं दी गई है कि भाई जहां पर अगर पेशेंट दंगे कर रहा है, घर वाले दंगे कर रहे हैं, तो भाई डॉक्टर की भी बात सुनी जाए। हर जरूरी नहीं है कि हर जगह सिर्फ डॉक्टर की ही लापरवाही है, पेशेंट किस कंडीशन में आया है, कैसा आया है, ये घर वालों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन हर चीज में डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर ने ऐसा किया, डॉक्टर ने वैसा किया, भाई हम अपना, हम उसी चीज से खा रहे हैं, हमारी जो रोजी रोटी है वो वही है, हम क्यों अपनी रोजी रोटी से अपना मुंह मोड़ेंगे? आपको लगता है कि जानबूझ के हम पेशेंट को मारेंगे, दंगे फसा दो वो हमको मारे, हमारा हॉस्पिटल तोड़े, फिर हम उससे फिर अपना पैसा लगाए? क्योंकि वो तो इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होता है कि जो तोड़ फोड़ हॉस्पिटल में करके जाते हैं, जो हमारे सामानों को नुकसान करा जाते हैं, जो 10-10 लाख के वेंटिलेटर मशीन को वो लोग तोड़ के चले जाते हैं, उसका तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं होता है ना, तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई करता है ना घर वाले उसकी भरपाई करते हैं, बदले में
हमारे ऊपर केस कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए। हम अपनी जान हाथ पे लेके हम दिन और रात काम करते हैं, चाहे वो लेडीज डॉक्टर हो चाहे जेंट्स डॉक्टर हो। आज हम अपने बच्चों को छोड़ के सबको छोड़कर हम ड्यूटी पे जाते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को भी फील होना चाहिए कि हमारी बेटी बहू जो हॉस्पिटल में गई है वो एक सिक्योरिटी के साथ काम करे, ना कि उसके साथ वहां मारापिटाई हो जाए या गंदे वर्डों का यूज किया जाए। कि हम लोग भी एक इंसान है और अपनी एक रिस्पेक्ट चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर यहाँ रह जा, चूंकि समय की कमी है। आप जो कह रहे थे सेवा धर्म है, सेवा कर्म है, मानव सेवा से बड़ी कोई और सेवा नहीं है। आपको क्या लगता है कि आज चूंकि देश भर का दर्शक सुन रहा है और हमने आज का ये प्रोग्राम पूरी तरह से धरती के भगवानों को समर्पित कर रखा है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? देखिए आज एक तो वैसे भी दिन भी डॉक्टर्स डे है और एक डॉक्टर होने के नाते मैं लोगों से केवल ये प्रार्थना कर सकती हूँ कि हम सभी अपने लिए अपने परिवार के लिए विशेष रूप से अवेयर रहें। जैसे कि अभी तक जनता ने काफी साथ दिया है और इतने पैंडेमिक के बीच में भी सब्र बनाए रखा है, तो एक तो पहली बात की सब्र नहीं खोना है, दूसरी चीज डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना है। और लड़ने का जो एक मेन हथियार है, जैसा कि चौधरी सर ने कहा कि एक ही उपाय है वैक्सीनेशन, तो उसमें बिना किसी अपोलाइज के, बिना किसी संशय के, जो भी प्रोटोकॉल है जिनके लिए वैक्सीनेशन का अभी गवर्नमेंट ने जारी किया है कि 18 ईयर से ऊपर तक के लोगों के लिए लग रहा है, तो बढ़ चढ़ के इतनी कैंपिंग की जा रही है, आप यकीन मानिए, मीन्स जो लोग वैक्सीनेशन में ड्यूटी है जिनकी, वो सुबह से लेकर रात तक इतनी भीड़ के बीच में बैठकर ब्लॉक वाइज आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाके बुला बुला के लेके आ रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए। अब इससे ज्यादा सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो निश्चित रूप से आम आदमी को ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसके जीवन की जिम्मेदारी उसकी भी है, सरकार की तो है, लेकिन सरकार बिना जनता के नहीं चल सकती, तो जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ऐसी कई लहरें आ सकती हैं, ये दूसरी थी, तीसरी आ सकती है, चौथी आ सकती है, क्योंकि यदि हम सुधरेंगे नहीं, आज आप बाजारों में जाइए, आप होटल्स में जाइए, जैसा कि चौधरी सर ने कहा, लोग ऐसे भीड़ लगा के खाना खा रहे हैं जैसे कभी खाने को मिला नहीं। जिनके घरों में शादियां हैं, यदि उन्हें पता है कि कोरोना चल रहा है, शॉपिंग नहीं करनी है, उसके बाद में भी वो 50 के बाद में भी 50 के प्रोटोकॉल में भी इतना शॉपिंग, गैदरिंग, मिलना, सारे फंक्शंस, अरे एक शादी को आप सिंपल भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो लोगों को खुद समझनी होगी, सरकार आपके हाथ नहीं पकड़ सकती। सरकार नियम बना सकती है, मंदिर बंद रहेंगे, मस्जिद बंद रहेंगे, हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, होटल्स बंद रहेंगे, मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन सरकार आपके कदम को नहीं बांध सकती। अभी आपने देखा होगा जो दूसरी लहर में मेन जो पेशेंट बढ़े उसके पीछे का रीजन ये था कि जब पहले पेशेंट होते थे पहली लहर में तो गवर्नमेंट के कमांड में थी सारी चीजें, एक मरीज मिलता था तो आसपास का पूरा क्षेत्र क्वारंटाइन कर दिया जाता था, उसके घर को ब्लॉक कर दिया जाता था, घर के लोग जो होते थे वो सील रहते थे, पूरा बैरिकेटिंग कर दी जाती थी, तो वो फैल नहीं पाता था। अब इस बार जब होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन की बारी आई, आप यकीन नहीं करेंगे, एक पेशेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, मार्केट में खुद अपनी दवाइयां लेने के लिए घूम रहा है, मैडम हमें कुछ आयुर्वेदिक दवाई दे दीजिए या किसी भी पैसे की दवाई, वो खुद मेडिकल पे लेने जा रहा है और खुद अच्छे से बोल रहा है कि किसको चाहिए, अरे मुझे कोरोना हो गया है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसने मास्क नहीं पहन रखा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग यूज नहीं कर रहा है, उसने बहुत कुछ आके छुआ भी, कोई ग्लव्स नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे में हम कैसे रोक पाएंगे किन्हीं भी चीजों को? कोई भी पैथी आपको सिर्फ ठीक कर सकती है लेकिन बीमारी को फैलने से नहीं रोक सकती, वो रोकने के लिए निश्चित रूप से जनता को अपना अपना जो भी कर्म है वो अपने कर्तव्य को पूरे तरीके से और सहजता से करना पड़ेगा, किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए। मेरी बस यही अपील है कि कोरोना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए बुलाई गई बीमारी नहीं है, वो ये नहीं देखती कि आप डॉक्टर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, तो बहुत ऐसा मत सोचिए कि मेरी स्टैमिना बहुत अच्छी है, मैं तो काढ़ा पीता हूँ, मैं तो योगा करता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो फलाना विशेषज्ञ हूँ,
बिल्कुल क्योंकि धरती महामारी किसी को जी देख के नहीं जी आती, जी बिल्कुल तो नहीं, सब बिल्कुल अपनी अपनी। आपने सही बात कही है डॉक्टर नेहा रेजा, और हमारा कोशिश भी ये थी कि हम दर्शकों को ये बता सकें, धरती के भगवान, हमारा ये शो करने का उद्देश्य भी सिर्फ था कि आपकी सेवा भाव को सम्मान सलाम कर सकें और आपके बार बार धन्यवाद कर सकें, क्योंकि अगर इस पेंडेमिक में जो हालात हुए थे उसमें आप लोगों के रात दिन एक करने से ही जनता की जान बची है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सक और डायरेक्टर जेके हॉस्पिटल डॉक्टर ए.के. चौधरी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सरकारी एमडी होम्योपैथी डॉक्टर राजेश चौकसे जी नरसिंहपुर गाडरवारा से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शीतल गुप्ता जुड़ी जो कि महिला चिकित्सक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पंचकर्म स्पेशलिस्ट आयुर्वेद की डॉक्टर नेहा रेजा जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पर कोशिश अपनी हमारी ये है कि ऐसे मुद्दों कर लाएं को लाएं जो जनता के लिए हैं। और हम एक और अपील करना चाहते हैं कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कोरोना कहीं गया नहीं है, हमारे बीच है, असावधानी अगर हटी तो कोरोना नहीं छोड़ेगा, तीसरी चौथी पांचवी लहर भी आ सकती है और आपकी जिंदगी खतरे में है। इसके बचने का एक तरीका है जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीकाकरण जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और हाथ साफ रखें, मास्क लगा के रखें। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।